गाइस, मेरा नाम है रीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अगेन आपके साथ एक रिव्यू लेकर आई हूँ सन टैन रिमूवल का। सन टैन का जो है ना, बहुत ही गंदे वाला इशू होता है बहुत सारे लोगों का, जिनको फोरहेड पे बहुत ज़्यादा टैन होता है। मुझे भी रहता है, बट मैं कुछ ना कुछ ट्राई करके इसको लाइट और ब्राइट करती रहती हूँ। तो आज जो मैं आपके साथ में प्रोडक्ट जिसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ, वो है हिमालय का टैन रिमूवल ऑरेंज पील ऑफ मास्क। इसको मैंने बाय किया था अमेज़न से, और अमेज़न पे जो है बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे डील्स आती रहती हैं। तो इसका जो MRP है, दैट इज़ 135 रुपीज़, बट ये मुझे मिला था 120 रुपीज़ का। इसकी क्वांटिटी की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये है 100 ग्राम इसकी क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन है, अगर आप देख पाएँ तो। हिमालय जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है, और बहुत ही पुराना एक ब्रांड है, जो कि है सीन्स 1930 से। तो हिमालय के मैं बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करती रहती हूँ, और मुझे इसके प्रोडक्ट जो है यूज़ करना सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट जो होते हैं ऑलमोस्ट नेचुरल प्रोडक्ट से बने होते हैं, और कम केमिकल का यूज़ होता है इनके अंदर, और बहुत ही ज़्यादा माइल्ड और डेलिकेटेड होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये आता है ऑरेंज के पील एक्सट्रैक्ट और हनी के साथ में। ये कहते हैं कि आपकी स्किन से रिमूव करते हैं इम्प्योरिटीज़ को, आपकी स्किन को लाइट करते हैं, ब्राइट करते हैं, आपकी स्किन को स्मूथ करते हैं, और अगर आपको टैन का इशू है तो टैन को भी रिमूव करते हैं। गाइस, पीछे इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आपको पता रहता है कि आप जो भी प्रोडक्ट अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स मिले हुए हैं। तो ये कहते हैं कि ये एक पील ऑफ मास्क है, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और ये आपकी स्किन को नेचुरली लाइट करते हैं, ब्राइट करते हैं, और इसके अंदर है ऑरेंज के पील ऑफ एक्सट्रैक्ट, इसके अलावा इसमें है हनी, जो कि रिड्यूस करता है आपकी स्किन पे से सन टैन को पहले ही यूज़ से। इसके अलावा ऑरेंज जो है ये कंट्रोल करता है मेलानिन सिंथेसिस एंड पीलिंग एक्शन, जो कि रिमूव करता है आपके फेस पे से टैन, और आपके स्किन को लाइट करता है। और जो हनी है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज तो करता ही करता है, इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है आपकी स्किन को। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी है कि आपको इसे किस तरीके से अप्लाई करना है। इन्होंने कहा है कि आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, देन उसके बाद इसे आपको अपने फेस के ऊपर पील ऑफ मास्क को जो है इवनली अप्लाई करना है, अवॉइड करना है अपने आई एरिया को। और इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि इसको 10 टू 15 मिनट्स के लिए आपको इसे अपने फेस के ऊपर रखना है, एंड देन उसके बाद साइड से आपको इसको पील करके मतलब निकाल। इसके अलावा ये कहते हैं बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है अगर आपके फेस के ऊपर इन्फ्लेमेशन है, या कुछ इरिटेशन है, या कोई बर्निंग सेशन आप जैसा आपके फेस के ऊपर है, तो आप इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई ना करें। 24 आवर्स पहले आप इसका एक पैच टेस्ट ज़रूर करें अपने हाथ के ऊपर पे, या कहीं पर भी जहाँ पे भी आपको लगता है आप इसका एक बार पैच टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मुझे ना तो कोई इरिटेशन हुई, ना ही कोई इन्फ्लेमेशन अपने फेस के ऊपर इसको यूज़ करने से पता चला। मैं इसको 2-3 बार अभी तक यूज़ कर चुकी हूँ, और मुझे इसका जो रिज़ल्ट है ना, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसे किस तरीके से अपने फेस के ऊपर अप्लाई किया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल में लिया है हॉट वाटर, इसके अंदर मैं अपने फेस टॉवल को डिप कर रही हूँ अच्छे से। देन इससे आपको अपने फेस को जो है अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद जब आपका फेस जो है थोड़ा सा ना ड्राई हो जाए, तब आपको इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इसको आपको नीचे से ना ऊपर की तरफ अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। ये बोलते हैं कि आपको 15 मिनट वेट करना है इसको अप्लाई करने के बाद, बट मैंने जो वेट किया, ऑलमोस्ट किया 20-25 मिनट्स का, जो कि बहुत ही गंदा लगता है जब आप अपने फेस पे कुछ ऐसा अप्लाई कर लें, वो भी विंटर्स में, और तब आपको उसे 20 मिनट तक वेट करना पड़े। तो बट क्या होता है कि अगर आप 15 मिनट में सोचेंगे विंटर्स में इसे रिमूव करने का ना, तो ये कहीं कहीं से ना ड्राई नहीं हो पाया था, यानी कि ये वाला एरिया, ये वाले एरिया पे से ये थोड़ा थोड़ा सा गीला था, जहाँ से ये ड्राई नहीं हुआ है, तो वहाँ से जब आप इसे उतारेंगे ना, तो ये अच्छे से नहीं उतरेगा आपके फेस पे। तो आपको इसे 15-20 मिनट्स के लिए अच्छे से 20-25 मिनट्स के लिए वेट करना है, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, तब फिर आपको इसे अपने फेस पे से रिमूव करना है। तो रिमूव मैंने किस तरीके से किया, मैंने नीचे से लेके इसे ऊपर की तरफ किया। मैंने अप्लाई भी फेस मास्क को नीचे से ऊपर की तरफ किया था, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी स्किन जो है ना ये टाइट हो जाती है। तो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आएंगे,
कोई भी फेस मास्क अपने फेस के ऊपर, तो उससे आपकी स्किन जो है लूज हो सकती है। तो कोई भी आप फेस मास्क लगाएं, उसे हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आपको अपने फेस के ऊपर लगाना है। तो जब मैंने इसे रिमूव किया ना, तो मुझे अपने स्किन टोन जो है पहले से एक से दो शेड तक तो लाइट लगी, ब्राइट लगी, और मुझे सन टैन भी थोड़ा सा ना रिड्यूस लगा पहले के अकॉर्डिंग। आपने अगर नोटिस किया होगा तो जब मैंने अपने फेस को क्लीन किया था, बिफोर आप उसे देखें, मतलब बैक में जाकर देख सकते हैं, एंड देन आप इसे फॉरवर्ड कर देखेंगे तो आपको मतलब पता चल जाएगा कि हाँ, एक से दो शेड का जो डिफरेंस होता है वो ज़रूर हुआ मेरे फेस के ऊपर। तो मुझे लगता है कि आपको इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हनी है और पील ऑफ एक्सट्रैक्ट है। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें ना मुझे एल्कोहल, एक्वा एल्कोहल जो है, ये थोड़ा सा इसकी जब अपने फेस के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो एक स्मेल आपको जो है ना, मतलब ऑरेंज के साथ में थोड़ा सा ना महसूस होगा कि हाँ कुछ है फेस के ऊपर जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो। यानी अल्कोहल की भी एक फ्रेग्रेंस इसके अंदर मुझे महसूस हुई थी। ओवरऑल प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है। अगर आप टैन के लिए मतलब इसे यूज़ करते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं वीक में एक से लेके दो बार। पैच टेस्ट ज़रूर करें, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर इन्होंने मेंशन किया है तो, क्यों क्या होता है ना, कई बार किसी की ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो उनको ये सूट नहीं करता है। तो एक बार आप इसका पैच टेस्ट ज़रूर करें। ओवरऑल जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा है, मुझे तो पसंद आया यार। मैं तो टैन रिमूवल के लिए कुछ ना ट्राई करती रहती हूँ। वीक में आप इसे एक से दो बार ट्राई कर सकते हैं, इन्होंने ऐसा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा ये था मेरा आज का कंप्लीट वीडियो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना। लाइक करने से क्या होता है कि अंदर से एक मोटिवेशन आता है और लगता है कि आपको मेरी वीडियोस जो हैं ये अच्छी लग रही हैं। एंड इसके अलावा ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा है तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको जो है मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है टाइमली आती रहें। एंड ऑफ कोर्स शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।